क्रिस्टियानो 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 क्रिस्टियानो। तो इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम 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 टू द मर्डर पंडित्स दोस्तों, चैनल फॉर द मद्रिस्तास बाय द मद्रिस्तास एंड ऑफ द मद्रिस्तास। आज बात करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। जैसा आपने थंबनेल और वो देखा होगा तो आपको पता है मैं किस चीज़ की बात करने वाला हूँ। द रोनाल्डो सागा, कहाँ जाएगा, रुकेगा नहीं रुकेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कहाँ जाएगा। फर्स्ट तीन नाम मैं लूँगा जिनका हम सबको पता है कि क्या क्या हुआ है। फर्स्ट बीइंग एथलेटिको द मद्रिद, देन सेकंड बीइंग चेल्सी एंड थर्ड बीइंग स्पोर्टिंग लिस्बन। अब देखें तो स्पोर्टिंग लिस्बन से तो भैया हमारे बड़े भैया ने अपना करियर स्टार्ट किया था। बड़े भैया का मतलब बड़े भैया वहीं से मिले थे मैनचेस्टर यूनाइटेड को, फिर वो फेमस होने लगे। अब अगर हम बड़े भैया की बात करें तो बड़े भैया ने जब आया स्पोर्टिंग लिस्बन का, तो बड़े भैया क्योंकि फेमस बहुत हैं अपने कमेंट्स को लेके, तो उन्होंने कमेंट कर दिया है कि ही इज़ नॉट गुड एंड लाफिंग इमोजीज वगैरह। तो एक चीज़ ये है कि स्पोर्टिंग लिस्बन में मैं भी सोच रहा था जा सकते हैं, बट रोनाल्डो इज़ टू बिग फॉर स्पोर्टिंग लिस्बन एट दिस पॉइंट। एंड आई थिंक कि रोनाल्डो एट दिस पॉइंट थिंक्स कि ही कैन बी द बेस्ट एट अ गुड यूरोपियन कप एट अ हाई यूरोपियन लेवल। तो आई थिंक कि ये जो पॉसिबिलिटी थी स्पोर्टिंग लिस्बन की, जैसा उसने भी कमेंट किया और जैसा मेरा भी पर्सपेक्टिव है, नहीं जाएगा रोनाल्डो स्पोर्टिंग, क्योंकि अभी स्पोर्टिंग उतना वाइबल ऑप्शन नहीं है। एंड पर्सनली व्हाट आई फील इज़ कि रोनाल्डो को लग रहा है कि वो स्टिल उसी लेवल पर खेल सकता है जो ही इज़ करेंटली प्लेइंग एट। बिकॉज अगर आप देखें तो इस सीज़न भी रोनाल्डो वॉज द टॉप स्कोरर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। 24 गोल मारे हैं यार, 24 गोल एक डेड मिडफील्ड के साथ। तो एक फैक्टर तो यही आ जाता है कि रोनाल्डो इज़ एक्चुअली प्लेइंग गुड एंड ही हैज़ परफॉर्म्ड वेल। जब वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वी हैव टू गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट। तो मेरे हिसाब से रोनाल्डो वहाँ तो नहीं जा रहा। सेकंड क्लब है एथलेटिको मद्रिद। देखो बहुत मैड्रिड फैंस को ये नाम सुन के बहुत खुंदस हुई, मुझे भी हुई। मतलब अगर मैं डिनाई कर रहा हूँ तो मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ या फिर मैं अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा हूँ कि मुझे नहीं लगा। इनिशियली ऐसा हो गया था कि क्रिस स्मिथ करके एक सोर्स हैं जो बहुत जल्द अच्छे हैं, मतलब एट दिस पॉइंट मैं ट्विटर में उनकी देख रहा हूँ तो वो रिपोर्ट जल्दी कर पा रहे हैं एंड उनकी रिपोर्ट्स अच्छी होती हैं। उन्होंने कहा कि एथलेटिको मैड्रिड हो सकता है, हाई पॉसिबिलिटी है। देखिए क्रिस स्मिथ ने जो भी आजकल रिपोर्ट किए हैं, जैसे कुंडे वाला उन्होंने रिपोर्ट किया था, उन्होंने इवन कुलेबली का किया था, उन्होंने इनका भी किया था, क्या बोलते हैं लेवेंडोस्की वगैरह का, सारी रिपोर्ट्स ट्रू थी तो लगा कि जा सकते हैं। बट फिर उनके प्रेसिडेंट आते हैं एथलेटिको मद्रिद के, वो कहते हैं नहीं दिस इज़ नॉट पॉसिबल। एंड ऑफ कोर्स फैंस वहाँ पे बैनर लगा देते हैं वी डोंट वांट क्रिस्टियानो, और उसके नीचे भी अब क्रिस्टियानो भैया क्रिस्टियानो हैं तो उन्होंने कमेंट कर दिया, लाफिंग इमोजीज डाल दिए तीन। थर्ड क्लब जो मैं बात करना चाह रहा हूँ चेल्सी के बारे में। अब चेल्सी का क्या है ना, लोग कह रहे हैं ना कि चेल्सी रिजेक्ट किया रोनाल्डो को, नहीं दिस वॉज दी अदर वे अराउंड। मैनचेस्टर यूनाइटेड नेवर वॉन्टेड रोनाल्डो टू गो टू चेल्सी। रीज़न यार ऑफकोर्स वो दूसरा क्लब है, पर्सनली अगर आप देखें तो एक लीग में आपके लीग राइवल्स के पास जाना इज़ वेरी टफ। देखिए हाँ ऑफकोर्स इट इज़ नॉट लाइक रियल मैड्रिड एथलेटिको मैड्रिड, बट स्टिल दे आर राइवल्स, यू कैन नॉट सेंड योर बेस्ट प्लेयर टू अ राइवल टीम। एंड ऑफकोर्स अगर आप देखें तो चेल्सी लैक अ स्ट्राइकर एंड रोनाल्डो वुड हैव फिल्ड दैट स्पॉट परफेक्टली। तो आप उनको स्ट्रांग बना रहे हो अपने आप को वीक करके, तो ऐसा तो कोई करेगा नहीं, तो इसलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मना कर दिया। थॉमस टूकल ने कभी मना नहीं किया, अगर आपको ये पता नहीं है, ये सीएफसी ब्लूज पे आप ट्वीट पढ़ सकते हैं, अगर आपको पढ़ना है टीयर वन सोर्स है आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं बड़े भैया के बारे में, इज ही स्टेइंग और इज ही लीविंग। लास्ट पार्ट में मैं आपको इस वीडियो के ये बताऊंगा कि अगर इफ ही लीव्स तो काम, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम सेइंग ही स्टेइंग। अगर आप आज का उनका ट्वीट देख उनका आपने रिप्लाई देखा होगा उनके एक फ़ैन उन पर, तो आप ये देख सकते हैं कि रोनाल्डो ने पहले बैश किया है मीडिया को, एंड दैट इज़ फैक्ट्स। मीडिया इतना ज़्यादा आजकल एंगेजिंग हो गया है, इतना ज़्यादा एंगेजमेंट चाह रहा है कि वो कुछ भी छाप रहा है, और उसके छापने के कारण आप लोगों के आइडियाज़ बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग हो जा रहे हैं। आप किसी प्लेयर को बहुत अच्छा मान ले रहे हैं, किसी प्लेयर को आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव शैडो लाइट दे रहे हैं, और उसके कारण क्योंकि रोनाल्डो या मेसी के बारे में आप कुछ भी लिख दो क्लिक्स तो आपको मिलेंगे, और जब आपको क्लिक्स मिल रहे हैं आपको क्या चाहिए, आपको जनता से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको फ़र्क पड़ रहा है अपने क्लिक्स से, और वो अगर मिल रहे हैं तो भैया चल रहा है चलने दो। तो
तो वही चीज हुई और उसको रोनाल्डो ने बैश किया है बहुत अच्छे से और एक पोस्ट भी किया था वाटर 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 वाला, दैट वॉज एन सार्कास्टिक वे ऑफ गेटिंग एट द मीडिया एंड आई ट्रूली रिस्पेक्ट दैट कि यू हैव टू स्पीक अबाउट इट इवन दो कुछ लोग कहेंगे इमेच्योर है, इमेच्योर नहीं है यार, यू हैव टू टॉक अबाउट थिंग्स क्योंकि मीडिया हैज़ बीन फोर शेडोइंग एंड शेडोइंग थिंग्स जो इंपॉर्टेंट है एंड रादर दे आर मेकिंग अपने आप से थ्योरी बना रहे भाई, फिजिक्स तोड़ना है भाई, दिमाग लगाओ थोड़ा। तो लीविंग दैट असाइड उन्होंने उस पर भी कमेंट किया है। अब बात करें तो जिस चीज़ की मैं बात करना चाह रहा हूँ, इज ही स्टेइंग और इज ही लीविंग, तो ही इज स्टेइंग। जैसा हमने रायो वायनकानो वाले में उन्होंने ट्वीट कर दिया था किंग विल प्ले ऑन संडे, दैट मीन्स रोनाल्डो इज प्लानिंग टू प्ले अगेंस्ट रायो वायनकानो और वो कैरिंगटन में भी पहुंच गए थे। कुछ लोग ये भी सजेस्ट कर रहे थे कि उनकी और टेन हाग की मीटिंग्स नहीं गई थी, बट उस पर भी रोनाल्डो ने के थ्रू एक रिस्पॉन्स आया है जिससे ये क्लियर होता है कि रोनाल्डो डजंट वॉन्ट टू बी पोर्ट्रेड रॉन्ग इन द मीडिया एंड द मीडिया हैज़ बीन पोर्ट्रेइंग हिम रॉन्ग। तो दैट वे वी कैन अंडरस्टैंड हाउ अनट्रस्टवर्दी दिस मीडिया इज। अभी यही बात करते हैं तो अगर हम देखें तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि रोनाल्डो इज स्टेइंग, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हिम लीविंग, क्योंकि यार ऑफकोर्स वो इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो आके ये बोल दे कि द किंग इज गोइंग टू प्ले ऑन संडे एंड ही डजेंट प्ले। हाँ ऑफकोर्स ही इज नॉट गोइंग टू प्ले एथलेटिको मैड्रिड, बट हाँ रायो वायकानो के अगेंस्ट ही विल प्ले लास्ट अगर वो जाता है। तो अगर रोनाल्डो जाता है तो मेरे हिसाब से द बेस्ट पॉसिबल प्लेस फॉर हिम इज बायर्न म्यूनिख। रीजन, बायर्न म्यूनिख लॉस्ट देयर 50 गोल अ सीजन वाला स्ट्राइकर दैट इज लेवेंडोव्स्की टू बार्सिलोना, एंड ऑफकोर्स आप अगर सिटी वाला उनका गेम देखे, इवन दो मैनी प्री सीजन पे यू कैन नॉट जज ए टीम, बट आई विल से कि दे वर लैकिंग अ स्ट्राइकर, क्लिनिकलिटी कम थी इन फ्रंट ऑफ द गोल, जो डिसीजन मेकिंग एक स्ट्राइकर की होती है वो लैक कर रही थी उस टीम में। अब मैं उस VAR वगैरह वाले में नहीं घुसना चाहता, बट हाँ वैसा हुआ था। तो आई विल से कि बायर्न म्यूनिख कैन बी द टीम एंड रोनाल्डो सिंस ही इज रेडी टू टेक अ वेज कट विल बी रेडी टू गो टू बायर्न म्यूनिख। तो लेट्स होप कि ही स्टेज एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा वर्डिक्ट यही है कि ही विल स्टे एंड एज पर रिपोर्ट्स अब ये लग रहा है कि ही विल स्टे, बट इफ ही लीव्स आई विल से गो टू बायर्न म्यूनिख बिकॉज गोइंग टू यूवेंटस एंड कमिंग बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड इन माई ओपिनियन वर नॉट द राइट थिंग्स ही हैज डन, एंड हु नोज क्या होता है आगे। बट तब तक के लिए हाला मद्रिद, दीना नमाज, हस्ता नो फिनाल, वामोस योर।